So, hello students. First of all, congratulations to all उन सभी students को जो कि class 10th, class 12th अपने board examination की जिन्होंने अच्छे से preparation की थी, एक hard work किया था, उसका result आपको मिला. आप सभी ने अपने result मुझे mail में send किए थे, आपने बताया आपकी कितनी अच्छी percentage आई थी. सभी का कारण आपका वो पीछे छुपा हुआ hard work है. मैं हमेशा कहता था work hard in a silence, let success make the noise. और आज आपकी success noise कर रही है बहुत ज़्यादा. और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि 10th, 11th, 12th में अभी पहुँचे हों. कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी हैं जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स ना आए हों, जिन्होंने सोचा था 90% लेकिन 85-80% उनकी आई. या कुछ स्टूडेंट वैसे भी हो सकते हैं जिनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट जैसी सिचुएशन आई है. तो आप सभी को स्टूडेंट्स ये कहना चाहता हूँ कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किए गए प्रयास पूरे मन से नहीं है. अभी वो टाइम नहीं है कि हम दूसरे पर ब्लेम डालें. हो सकता है आपकी कॉपी जो चेकिंग हुई हो वो गलत भी हुई हो, लेकिन फिलहाल अगर अपने पास ऑप्शन है री एग्ज़ाम जैसा, अगर हम री एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस समय हमें सारी बातों को साइड में रखकर एक एग्ज़ाम के लिए नए एंथुसियाज्म के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए और हमें अपने आप को एक बार फिर प्रूफ करना चाहिए. देखिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप दोबारा से ट्राई करें, आप इससे अच्छा कर सकते हैं. उस अपॉर्चुनिटी को आपने भुनाना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने अपने लिए तैयार करना है, एक एज अ आपने उसे एक एग्जाम्पल बनाना है आने वाले अपने जूनियर्स के लिए. क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि कंपार्टमेंट या ऐसे री एग्जाम देकर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन किए और वो आप भी कर सकते हो. फिलहाल दूसरी बात जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट ने अभी 12th अपना क्रॉस किया और अब आपके सामने एक नया एरा खुल रहा है. अब आपको कॉलेजेस में एडमिशन लेना था, लेकिन जिस तरह का ये पेंडेमिक चला, जिस तरह का COVID-19 का ये जो सिनेरियो है, इसमें सभी बातें अपनी चेंजेस हो चुका है उन सभी में. अभी वो टाइम था जबकि आपको कॉलेज में एडमिशन करना था, कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, एक नए लेवल में आप जाने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन फिलहाल इस बार ऐसे सिचुएशंस आ चुकी हैं कि अभी हमारा कब 12th भी हो गया और पता भी नहीं चला. रिसर्चेस तो ऐसा बता रही हैं कि ये आगे बढ़ सकता है इंडिया जैसी जगह में. तो इसीलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं और आपको अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या हो सकता है, उनको मैं छोटा सा ब्रीफली आपके साथ डिस्कशन में उसका करता हूँ. स्टूडेंट, देयर इज अ सेइंग, विनर्स रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन बट फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, बट ऑन द अदर हैंड साइड लूजर्स रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ बट फोकस ऑन देयर लिमिटेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है. ये कहता है कि विनर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी ताकत पर, अपनी एडवांटेजेस जो उनके पास हैं उस पर. जबकि दूसरी ओर जो लूजर्स होते हैं वो जानते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को वो जानते जरूर हैं लेकिन फोकस करते हैं सिर्फ अपने लिमिटेशंस पर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, समझने वाला है. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये पेंडेमिक चल रहा है, नो डाउट ये सभी के लिए एक बुरी सिचुएशन है. पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है और कभी भी हम नहीं कह सकते कि कोरोना एक अच्छी चीज़ है या COVID-19 जो ये आया ये हमारे लिए अच्छा है, कभी नहीं कह सकते. लेकिन अपने पास एक नज़र चाहिए, एक अपने पास विज़न, एक आउटलुक चाहिए देखने का आगे की सिचुएशन को. कि हम जानते हैं, इसका अगर मैं पॉजिटिव बात आपको कहूँ ना, भले ही पॉजिटिव बात हो नहीं सकती, लेकिन इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव जो फेज़ है वो ये दिखाता है मुझे कि अगर हम सोचें कि एक ज़माना था इससे पहले का कोविड का, कि डेवलप्ड कंट्री होती थी, फिर एक डेवलपिंग कंट्री होती थी और एक अनडेवलप्ड कंट्री होती थी. हम जानते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री की रेस में था, उस समय एक रेंज में था, और अमेरिका जैसी कंट्रीज जो एक डेवलप्ड कंट्री थी. लेकिन इस कोविड से हुआ क्या, सारे के सारे स्टार्टिंग लाइन पे आ गए. दोबारा से अब कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, अब दोबारा से रेस शुरू होगी और सभी स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए. अब अपने पास एक मौका है कि हम दोबारा से रेस में हिस्सा लें और भागें और सबसे आगे आएं. ये मैं एज अ सिचुएशन बात कर रहा हूँ कि एज अ हम कंट्री में बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक मौका है. क्योंकि सभी चीज़ें, ऐसा नहीं था कि कोविड एक सिर्फ कंट्री पर आया हुआ था, ये पूरा पेंडेमिक था जो पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ था. इसीलिए इससे कम से कम इतना तो हुआ कि अब सभी के सभी एक लेवल में आ चुके हैं. अब सबको अपनी रेस जीरो से स्टार्ट करनी है, चाहे वो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो. तो इसीलिए हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब जो स्ट्रगल हम करते थे उससे हमें कई ज़्यादा करना है. जितना हार्डवर्क हमने आज तक था उससे कई ज्यादा हमें करना है ताकि हम इस बार के विनर बन सकें. अपने पास जो क्लास 12th के स्टूडेंट अभी आप यहां पर हैं, जिनका एक्चुअली हो चुका है क्लास 12th और जो सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, उनके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, जब आपका क्लास 12th हुआ है आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहता हूँ, आप में से हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दूसरे स्टूडेंट्स ये या फिर किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप में से, या और भी अदर थिंग्स आप कर रहे होंगे, जो भी आप सोचा होगा आपने उसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है.
लेकिन कभी कभी क्या गलती होती है ना कि अगर हम मान लिया एनडीए की या हम जेई की या नीट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम पूरा ड्रॉप ले लेते हैं। ये एक छोटी बात है लेकिन बड़ी बन जाती है बाद में, कि हम एक ड्रॉप ले रहे होते हैं। अगर हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि पूरा साल हम प्रिपरेशन करेंगे, एक ड्रॉप देते हैं, क्योंकि हमने सुना रहता है कि दो नावों में पैर नहीं रखने चाहिए। इसलिए या तो आप ग्रेजुएशन ही करो या तो फिर आप प्रिपरेशन ही करो। ये बात थ्योरेटिकली बहुत सही लगती है लेकिन प्रैक्टिकली इतनी सही है नहीं। जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो, जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो उस समय ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है कि आपने कोई ग्रेजुएशन का कुछ एडमिशन फॉर्म नहीं भरा हुआ। आप अगर पूरा साल सिर्फ चाहते हो कि तैयारी करो तो ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं है। आपको करना क्या चाहिए कायदे से, कि अपनी प्रिपरेशन को करते रहना चाहिए, और साइड से आपने अपने ग्रेजुएशन के लिए आप बीएससी बीए या जो भी आप बीकॉम करना चाह रहे होंगे, या बीटेक तो खैर वो दूसरी बात हो गई, आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसको आप उसके लिए ग्रेजुएशन का फॉर्म एटलीस्ट डालें। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन आपका कम से कम लास्ट में एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऐसा ना कह सकें कि मेरा साल बर्बाद हो गया एक, है ना। ऐसा मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स को करते हुए, ऐसा उनका पूरा एक ईयर वेस्ट चले जाता है, फिर उन्हें फिर क्या बात हो गई, फिर आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो क्लास ट्वेल्थ में कोई स्टूडेंट रुक ही जाता वाली बात थी। इसीलिए हमें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान रखना है जिससे एंट्रेंस की तैयारी करें, लेकिन साइड में एक प्लान बी लेते हुए हमें यहाँ पर कुछ ग्रेजुएशन जैसा कुछ करते हुए चलना चाहिए साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन का जो भी फर्स्ट ईयर होता है वो हमेशा कभी भी टफ नहीं होता, उसमें इलेवंथ ट्वेल्थ का एक तरह का रिविजन होता है और छोटी मोटी कुछ नई बातें आती हैं, वो इतनी होती है कि आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हो। आपने अच्छी खासी, क्योंकि पढ़ाई ट्वेल्थ क्लास में की होती है, उसकी अगर आप 50% पढ़ाई भी अगर आप फर्स्ट ईयर में कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा कर पाते हो। इसलिए स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना कि जब आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ ही साथ आपने कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान बी तैयार रखना चाहिए, जिससे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन का कम से कम फर्स्ट ईयर आपका हो जाना चाहिए। ये एक बात ध्यान रखनी है। ग्रेजुएशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से आगे ऐसे एग्जाम आते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन में आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी होता है, और ग्रेजुएट होना बहुत है। ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात स्टूडेंट ये कि जब आप अपने इस कॉलेज में आ रहे हैं, जब आपने अपना फेस चेंज किया, जब आप क्लास ट्वेल्थ तक एक स्कूल लेवल तक थे और आज आप एक कॉलेज लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ गलत भी हो या मेरा अंदाजे बयां गलत हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो सकती है। जैसे कि जब आप क्लास ट्वेल्थ से किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं तो कॉलेज में कभी कभी पढ़ाई का स्टैंडर्ड वो नहीं रहता जो कि आपके स्कूल लेवल में रहा होता है। स्कूल लेवल में टीचर्स का एक पर्सनल अटेंशन आप सभी के ऊपर रहता है, लेकिन कॉलेज लेवल में पॉसिबल कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको अब थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर भी बढ़ना है। आज तक क्या था ना, अगर आप कुछ होमवर्क या कुछ आपको वर्क तथा नहीं करते तो टीचर्स आप पर नजर रखे हुए होते थे क्लास ट्वेल्थ तक। वो आपको हमेशा बीच बीच में गाइड करते थे, बीच में जहां पर उन्हें आपको समझाने की जरूरत होती थी समझाते थे, जहां उन्हें आपको डांटने की जरूरत होती थी वो आपको टोकते भी थे उस बात में। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब किसी को आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब इस तरह का एक बल्क आता है कि टीचर्स को, जो प्रोफेसर होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं कि वो एक स्टूडेंट पर पर्सनल अटेंशन दे सके। इसीलिए अब अपनी चिंता करनी है, और वास्तव में ये सही भी है। ये वो टाइम है जब आपको अपने पैरों पर खड़ा होने वाली बात। आज तक भी हम अपने पैरों पे खड़े थे लेकिन हमें पीछे एक सपोर्ट था, आज वो सपोर्ट भी धीरे 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 हट जाएगा, और वो धीरे धीरे हटेगा, एकदम से आपको लाकर नहीं छोड़ दिया जाता बीच में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रोफेसर आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो आप पूछते हैं वो बताते भी हैं, जितना आप उनसे लेने की कोशिश करोगे वो देंगे भी, लेकिन लेना आपको पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक बात है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कॉलेजेस और स्कूल में एक माइन्यूट सा जो डिफरेंस है इसे ध्यान रखते हुए चलना है, और ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो ये कॉलेज टाइम पीरियड है इसे वेस्ट नहीं जाने देना। बहुत टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स की, जब नए नए स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं तो एक या दो साल तो शुरू में कॉलेज के एनवायरमेंट को समझने में ही लगा देते हैं, इधर उधर की बातों में लगा देते हैं, और अपनी एकेडमिक से वो दूर हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नतीजा ये होता है कि आपका ग्रेजुएट भी हो चुका होता है लेकिन नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी होती है, और हम कुछ कर नहीं पाते, और लास्ट में अल्टीमेटली हमें वही करना होता है जो हो रहा है आप जानते हैं मार्केट में, है ना। और वैसे भी जो ये इरा चल रहा है अभी ये कोविड का, इससे आप जानते हैं कि एक तरह का जो क्राइसिस आई हुई है, एक इकोनॉमिकल रिसेशन जो का पीरियड है इसका, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी आगे हो सकते हैं अगर हम अवेयर ना रहें तो। अब पहले वाली जैसी बात नहीं, अब एक तरह से समझ लीजिए क्लियर फिल्टरेशन चल रहा है। क्लियर फिल्टरेशन यानी जो लायक होगा वो सर्वाइव करेगा, यानी वाली बात चलने लग गई। डार्विन की जो थ्योरी थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल होने लग गई। अगर आप में पोटेंशियल है, आपको अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल
करना होगा, नहीं करोगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप अपने आप पीछे हो जाओगे, दूसरा उसे ग्रैब कर लेगा उस अपॉर्चुनिटी को, इसलिए आपने छोड़ना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपने उसे पकड़ना है, आपने अगर उसे छोड़ दिया तो दूसरा पकड़ लेगा, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जब अपने कॉलेज में आप एंटर कर रहे हैं, जब अपने कॉलेज की ओर आप बढ़ रहे हैं, अपने स्कूल से आप कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस समय एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें, अपने किसी सॉफ्ट स्किल को भी आप नरिश करें, थोड़ा सा उसे भी बढ़ावा दें। सॉफ्ट स्किल से मेरा मतलब है कि एकेडमिक्स पढ़ाई तो हम करते ही करते हैं, इसके अलावा क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। और करने के लिए कोई एक दो तीन पांच चीज़ें नहीं है, आपके पास हजारों चीज़ें जो आप कर सकते हो, किसी ना किसी चीज़ में जरूर आप परफेक्ट हो सकते हो, जरूर आप, एक बात बताऊँ आपको, जिस पर आपने हाथ रख दिया ना वो चीज़ पर परफेक्ट हो जाओगे, ये बात ध्यान रख। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ना, जैसे मान लिया आप सिंगिंग है, मान लिया डांसिंग है, कुछ भी है, आप भी नहीं करते सिंगिंग, नहीं करते डांसिंग, नहीं करते आप एक्टिंग, आप नहीं है बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा भी ध्यान देना आपने अगर स्टार्ट किया उस तरफ, तो आप उसी फील्ड में मास्टर हो जाओगे। बस एक छोटी सी जो बात है ना, बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं, एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर आपने सोच लिया कि ये मैं कर सकता हूं, या आपने सोचा कि मुझे इसे करना चाहिए, बस एक बार आपके सोचने की देर है, एक बार चीज को देखने की देर है, जिस चीज को देखोगे वो सोना बन जाएगी, ये वो टाइम है आपके पास। इसीलिए स्टूडेंट अपने स्किल्स पर ध्यान देना, यानी कि धीरे धीरे स्किल्स पर ध्यान ऐसे दिया जाता है कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज आपने किसी चीज को किया तो आज ही आप उसके मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज में उस वो जो कछुआ होता है ना उसकी तरह चलना है, धीरे 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 चलना है, लेकिन कैसे चलना है, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप धीरे धीरे और लगातार चलते हो तो आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर जाओगे। अगर आप 3 ईयर या 4 ईयर का जो आपका ग्रेजुएशन पीरियड होता है, इस दौरान अगर आपने किसी एक चीज को पकड़ लिया कि इस चीज पर भी आपको साइड बाय साइड वर्क करना है, तो धीरे धीरे आप देखोगे जब आपका कॉलेज से आप निकल कर आओगे तो एक अलग ही तरह का स्किल आपके पास होगा। अब वो स्किल होना बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि सिंगिंग का ही हो, डांसिंग का ही हो, आज हजारों तरह के स्किल्स अपने पास अवेलेबल है, आप उन पर वर्क कर सकते हैं। और आप जानते हैं डिजिटल का जो एरा चल रहा है, और बहुत से स्टूडेंट को, एक और बात मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, बाद में आपसे बात हुई है ना हो इस बारे में, वो ये स्टूडेंट कि आजकल ना जैसे YouTube का भी बहुत चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि बहुत से स्टूडेंट अपने क्लास 11th 12th में ही उनके मन में सपने होते हैं कि वो एक एज अ यूट्यूबर बने, वो कुछ YouTube में करें या कुछ और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो कुछ अच्छा करें। आपका बहुत बहुत यहाँ पर वेलकम है, आपको ऐसा सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें ऐसा कुछ करें जिससे आपको ना रिटर्न में फायदे हो रहे हो, रिटर्न एडवांटेजेस मिल रहे हो, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका टाइम बहुत कीमती है। अगर हो सकता है कि आपने YouTube में कुछ किया और आपको बहुत अच्छे खासे कुछ फॉलोवर्स अगर मिल भी रहे शुरुआत में, तो उसे बार बार आप इस बात से रिलेट करें कि क्या मैं कुछ इससे बेटर भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्या जो मेरा ये टाइम अभी जा रहा है क्या इसके रिटर्न्स भी मुझे मिल रहे हैं। रिटर्न्स कहने का मतलब क्या है ना, ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक बात, वही बात ही हो सकती है, जैसे मान लिया टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने लगभग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था उस समय जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी, तो उस समय से एक चीज होती है कि मैं आपको पढ़ा रहा था, वो एक क्या था, एक ऐसी चीज थी जो मेरे से ही रिलेट करती, एकेडमिक से ही रिलेट कर रही थी, आपको पढ़ा रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरा भी रिवीजन हो रहा था, ऐसी कुछ बातें, यानी कि रिलेशन वहीं पर था। यानी कहने का मतलब है इस यूट्यूब का मेरी स्टडीज पर कोई नेगेटिव असर नहीं था, क्योंकि ये स्टडीज से ही जुड़ा हुआ था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको भी स्टडीज के लिए ही कुछ करना चाहिए, एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपका पढ़ाई पर कम से कम असर ज़्यादा ना पड़े, यानी पढ़ाई पर कुछ निगेटिव असर ना पड़े। और वो आप पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप में कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ छुपी हुई हो तो फिर आप हो सकता है पढ़ाई को सब्सिडियरी रख सकते हैं और दूसरी चीज़ को उभार सकते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मैंने कहा कि ना हमें फोकस करना है इस चीज़ पर ना कि हमें दूसरों को देखकर काम नहीं करना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ऐसे मेल आते हैं ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कभी कभी मुझे इंस्टाग्राम में भी इस तरह के स्टूडेंट्स पूछते हैं ये बातें कि मुझे ये करना है वो करना है वो करना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो हाँ, मुझे एक स्टूडेंट का एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मुझे अर्निंग करनी है, अभी क्लास ट्वेल्थ के बाद वो अर्निंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सही है आपका सोचना अर्निंग करनी है, लेकिन फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, आपको पहले लर्निंग होनी चाहिए आपकी अच्छी, उसके बाद अर्निंग होनी चाहिए, और लर्निंग के लिए अभी हमारे पास टाइम पीरियड है। अब आज से 10 साल बाद आप लर्निंग नहीं करने जाओगे, उस समय पर अर्निंग ही करनी पड़ती है, लेकिन अभी आपके पास जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ और अच्छे स्किल्स को डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें और अच्छा नरिश कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में फिर आप अपने जौहर दिखाओ,
है ना। तो इसीलिए जो सबसे कीमती चीज़ अपने पास है वो टाइम, उसकी कीमत को हमें समझना है और सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। इसलिए कुछ स्टूडेंट छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये जरूर हैं छोटे मोटे, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगर समझते हो, अगर अपने अंदर इन्हें आत्मसात करते हो, तो आगे जाकर ये बहुत बड़े आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं ये सभी पॉइंट्स। इसलिए स्टूडेंट ये सभी बातें मेरे मन में बहुत टाइम से थी, मैं चाहता था आप सभी से कहूँ, आज ऐसा दिन आज आया अपने आप की, मुझे लगा कि आप सभी से बातें कहनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सभी से बातें कहीं। और जो भी आपके मन में क्वेरीज हो उसे जरूर आप शेयर करें, जो डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल मैंने ब्रॉड वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की थी कि क्या क्या आपको करना चाहिए, एक मोटे मोटे तौर पर आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए मेरी तरफ से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या दूसरे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इतना ही कर सकते हैं कि आप अपने जूनियर्स के साथ, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट हों या क्लास 11th क्लास 10th के स्टूडेंट हों, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, उन्हें बताएं कि इसमें मोर देन 770 प्लस वीडियो लेक्चर्स अभी तक पोस्ट हो चुके हैं, जो कि क्लास 12th 11th 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर बने हुए होते हैं और वो इनका बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक भी वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आप बहुत अच्छा करें आगे अपने फ्यूचर में। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में और बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।